एक गांव में राजू नाम का एक 22 वर्षीय युवक रहा करता था। राजू सोकर उठा ही था कि तभी उसके पिता मोहन उसके पास आकर उसे गुस्से से घूरने लगे। क्या बात है पिताजी, सुबह सुबह मुझे ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? राजू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? कितनी बार कहा है कि काम धंधे में मेरा हाथ बटाया करो, लेकिन तुम्हें आवारा गर्दी करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सपने कितने बड़े बड़े हैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम और तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। आपको जो कुछ भी कहना है आप अभी कह लीजिए पिताजी, लेकिन देखिएगा, जिस दिन मेरी दुबई में नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो राजू। अरे अपने देश में धन की आखिर क्या कमी है जो तुम विदेश में जाने के सपने देखते हो? आप कुछ भी कहिए पिताजी, लेकिन मैं आपकी पानी पूरी की दुकान पर नहीं बैठने वाला। इतना बोलकर राजू अपने घर से बाहर निकल गया कि तभी उसे प्रीति ने आवाज देकर पुकारा। प्रीति राजू की प्रेमिका थी। राजू, अरे राजू कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। प्रीति, मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे सुबह सुबह आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी जब देखो मुझे डांटते ही रहते हैं। आखिर वो तुमसे गलत क्या कहते हैं राजू? वो सिर्फ तुम्हें अपने काम में हाथ बटाने के लिए तो बोलते हैं ना। अरे मुझे नहीं बेचनी पानी पूरी, अब तुम भी सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने मत बैठ जाना। वो सब छोड़ो राजू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तुम्हें तो पता है मेरे पिताजी का कांटेक्ट दुबई तक है। कल मेरे पिताजी के दोस्त जो कि दुबई में बहुत बड़े शेख हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, यहाँ आने वाले हैं। प्रीति की बात सुनकर राजू के चेहरे से गुस्सा उड़ गया और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। सच प्रीति? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें कल उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अगले दिन दोपहर के समय प्रीति खुशी खुशी चहकती हुई राजू के घर पर आ गई। अरे प्रीति क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसी? बुद्धू तुम्हारे लिए खुश हूँ, पिताजी के दोस्त शेख हमारे घर पर ही ठहरे हैं, तुम जल्दी से चलो। लेकिन प्रीति उनके सामने खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उनके लिए कोई उपहार ले जाना तो जरूरी है ना, ताकि वो उपहार देखकर खुश हो जाए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तभी प्रीति के दिमाग में एक विचार आया। अरे तुम्हारे पिताजी की पानी पूरी तो दूर दूर तक मशहूर है, तुम अपने पिताजी की पानी पूरी ही उनके लिए क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी ये शेख लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली क्या? अब इतनी जल्दबाजी में उनके लिए यही भेंट सही होगी। ठीक है चलो। राजू अपने पिताजी की पानी पूरी एक बहुत ही अच्छे बर्तन में प्रीति के घर पर ले गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, उड़ी बाबा, ये लड़का कौन होती और ये हाथ में क्या पकड़ाती? राजू प्रीति की ओर देखकर बोला, ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। राजू शेख की ओर देखकर बोला, ये मेरे पिताजी के हाथ की बनी हुई पानी पूरी होती, जो कि सारे इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध होती। उरी बाबा, ये प्रसिद्ध क्या होती? प्रसिद्ध मतलब इनके पिताजी की पानी पूरी सारे इंडिया में बहुत ही मशहूर होती। आप ये पानी पूरी खाती तो आपको मजा आ जाती। प्रीति के कहने पर शेख पानी पूरी खाने लगा। शेख को पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई। उरी बाबा, ये तो बहुत टेस्टी होती, हमको खाकर इसे मजा आ गई। इतना बोलकर शेख राजू की ओर देखकर बोला, तुम क्या काम करती? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरा सपना है कि मैं भी दुबई में जाकर नौकरी करूं। उरी बाबा, ये क्या बोलती, हमको कुछ भी समझ में नहीं आती। प्रीति राजू की ओर देखकर बोली, राजू तुम शेख से शेख की ही जुबान में बात क्यों नहीं करते?
राजू शेख की ओर देखकर बोला, अभी हम कुछ नहीं करती, लेकिन हमारा सपना है कि हम दुबई जाती और वहाँ बहुत सारा पैसा कमा के इंडिया लाती। हम यहाँ पर कुछ दिन रुकती, उसके बाद हम तुमको अपने साथ दुबई ले जाती और अपनी कंपनी में तुमको नौकरी देती। तभी एक कार प्रीति के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उस कार में एक बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यक्ति आया। शेख उस अमीर व्यक्ति के साथ उसी की कार में बैठकर कहीं चला गया। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब कहाँ गए हैं? शेख साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील करने आए हैं। वो तो यारी दोस्ती में वो मेरे घर पर ठहरे हैं। हालांकि वो तो यहाँ के 5-स्टार होटल में ठहरना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, शेख साहब ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हें दुबई ले जाएंगे। अब तुम्हारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। राजू खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपने पिता को बताने लगा। राजू की बात सुनकर राजू के पिता मोहन मुस्कुराते हुए बोले, राजू तुम आज तक ठीक से मेरी दुकान पर पूरे दिन कभी नहीं बैठे, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस दिन तुम मेरी दुकान पर पूरे दिन बैठ जाओगे, उस दिन तुम दुबई जाने का सपना छोड़ दोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं पानी पूरी बेच कर कितना कमाता हूँ। और जिस दिन मैं दुबई चला गया ना पिताजी, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि दुबई में कितनी इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है पिताजी कि शेख के पास कितना पैसा है। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराकर बाहर चला गया। अगले दिन राजू प्रीति के घर पर गया, मगर उसने देखा कि शेख मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब को क्या हुआ? इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊं राजू, मैंने शेख साहब को मना किया था, यहाँ पर व्यापार बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, लेकिन शेख साहब ने मेरी सुनी ही नहीं। मतलब कल जो व्यक्ति शेख साहब को लेने आया था, वो शेख साहब को चूना लगाकर भाग गया। दरअसल वो एक फ्रॉड था। तभी शेख उदास होता हुआ प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, अब हम क्या करती, हम तो बर्बाद हो गई, अब हम घर कैसे जाएगी? हमारे पास सिर्फ थोड़ी सही पैसे बची। हम सोचती कि हम यहीं से कुछ कमा कर अपने घर ले जाती, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि हम क्या काम करती। शेख ने इतना कहा ही था कि तभी राजू के पिता मोहन वहां पर आकर शेख की ओर देखने लगे। शेख मोहन की ओर देखकर बोला, उरी बाबा तुम कौन होती? तुम्हारा चेहरा तो इस लड़के से बहुत मिलती। मैं इस लड़के का पिता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसी? तुम हमारी मदद कैसे कर पाती? हम इस देश में नया होती, हमारे पास अब कुछ नहीं बची, हम बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, कल तुमने जो मेरे हाथ की पानी पूरी खाई थी वो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा सकता हूँ। अगर तुम पानी पूरी बेचोगे तो तुम अपना पैसा बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, शेख पानी पूरी बेचेंगे? क्यों नहीं बेच सकते, वैसे भी अब ये बर्बाद हो चुके हैं, और पानी पूरी बेचना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे देखिए, मैं एक दिन में पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ, इस बात का अंदाजा मेरे बेटे को भी नहीं है। प्रीति के पिता शेख को मोहन के पिता की कही हुई बात समझाने लगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया होती, हमको पसंद आई, हम पानी पूरी बेचती और बहुत सारा पैसा कमा कर दुबई ले जाती। शेख उस दिन के बाद मोहन के साथ पानी पूरी बनाना सीखने लगा। अब उसका ध्यान सिर्फ पानी पूरी बनाने सीखने की कला पर होती। ये सब देखकर राजू प्रीति से बोला, ये क्या प्रीति, मैं तो शेख साहब के साथ दुबई जाने का प्लान कर रहा था, मगर शेख साहब तो मेरे पिताजी से ही पानी पूरी बनाना सीखने लगे, जिससे मुझे सख्त नफरत है। प्रीति राजू की बात पर मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद शेख पानी पूरी बनाना सीख गया और मोहन के बगल में ही एक दुकान खोलकर बैठ गया और आवाज लगाने लगा, अरे एक बार जो हमारे हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाती
उसे मजा आ जाती। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। शेख को पानी पूरी बेचते देख वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अरे ये कहीं है मेरी आँखों का भ्रम तो नहीं? ये वाकई में शेख है या फिर शेख जैसे कपड़े पहना हुआ है? अब ये तो इससे पूछ कर ही पता चलेगा। वो व्यक्ति शेख के पास जाकर बोला, अरे क्या तुम असली शेख हो? ये तुम कैसी बात करती, हम असली शेख होती तो तुम पानी पूरी क्यों बेचती? क्योंकि यहाँ पर हम बर्बाद हो गई। हम पानी पूरी बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर दुबई ले जाती। तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाती, मुझे बहुत तेज भूख लगती। शेख ने खुशी खुशी उस व्यक्ति को एक प्लेट पानी पूरी लगा दी। वो व्यक्ति पानी पूरी खाकर खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, तुम वाकई पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती। क्या हम पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती? अगर ऐसी होती तो हम दुबई में भी जाकर पानी पूरी ही बनाती। कुछ ही दिनों में शेख की दुकान पर बहुत से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कोई भी अगर शेख को पानी पूरी बेचते हुए देखता तो वो तुरंत शेख की दुकान पर पानी पूरी खाने आ जाता। शेख को पानी पूरी बेचते हुए काफी समय हो गया और उसके पास धन का भंडार एकत्रित हो गया। शेख खुश होते हुए मोहन के पास आकर बोला, हमारे साथ जब फ्रॉड होती तो हम समझी कि इंडिया के लोग अच्छे नहीं होती, लेकिन तुम हमारी मदद करी, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भारतीय हमेशा अपने देश में आए हुए मेहमानों की मदद करते हैं। जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरे ही देश के किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने आपकी मदद की सोची, ताकि आप अपने दिल में मेरे देश के लिए कोई मैल रखकर यहाँ से ना जाए। अब हमारे पास इतना रुपए होती कि हम अपने देश वापस जा सकती और हम वहाँ पर भी पानी पूरी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहती, और हम चाहती कि उस रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारे नाम से होती। यह तो आपका बड़प्पन है शेख। तभी वहाँ पर राजू आ गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, और तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टोरेंट में काम करती। राजू शेख की ओर देखकर बोला, नहीं शेख साहब, मुझे समझ आ गया है कि अपना देश होता है, और मेरी ये भी समझ में आ गया है कि हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। जिस पानी पूरी की हमेशा मैं अपने पिता के सामने बुराई किया करता था, आज उसी पानी पूरी को बेचकर आप धन कमाकर अपने देश वापस जा रहे हैं, तो भला मैं उस काम को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी मन करती तो तुम हमारे पास दुबई जरूर आती। इतना कहकर शेख सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया। मोहन राजू की ओर मुस्कुराकर देखकर बोला, तुम्हें तो शेख ने दुबई जाने का ऑफर दिया था, तुम्हें पता भी है कि वो मेरे नाम का एक रेस्टोरेंट दुबई में खोलना चाहता था, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्या मैं पागल हूँ जो मैं उसके साथ दुबई जाता? अरे जिसकी मदद खुद मेरे पिताजी ने की हो, भला मैं उसके यहाँ नौकरी क्यों करूँ? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है कि अपने देश की कमाई असली कमाई होती है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद राजू अपने पिता के साथ खुशी खुशी उनका हाथ बटाने लगा। मणिपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही पिछड़े और बहुत ही गुलाम नुमा जिंदगी जी रहे थे। अगर किसी के घर में साइकिल आ जाती तो उन्हें पूरे गांव को दावत खिलानी पड़ती। उसी गांव में रामू रहा करता था। रामू गांव के छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाया करता था, कभी सरपंच के घर काम करके तो कभी लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमा लिया करता था। जंगल में लकड़ियां काटना भी अब मुश्किल हो गया है, पता नहीं कौन सा जानवर कब सामने आ जाए, इस बात का डर लगा रहता है। रामू कुछ लकड़ियां काट कर उन्हें बेचने बाजार चला जाता है। अरे आओ रामू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? वो काहे को, क्या बात हो गई? ये लकड़ियां लो
और मुझे पैसे देकर रफा दफा करो। अरे सरपंच साहब, तुम्हें उनके घर के कामों के लिए ढूंढ रहे थे और कह रहे थे पुराना हिसाब चुकता करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो, तुम इन लकड़ियों को तोल दो और आज का हिसाब कर दो, मैं सरपंच साहब के घर तुरंत ही चला जाता हूँ। रामू ने उस लकड़ी वाले से कुछ पैसे लिए और सरपंच के घर काम और पैसे की लालच में चला गया। तभी सरपंच अपने मुंशी के साथ बातें कर रहा था। इस गांव के लोगों को गुलाम बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है, उन्हें हताश और परेशान करना है, उन्हें खुश रहने ही नहीं देना, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो फिर कैसे गुलाम? गुलाम वही बन सकता है जो हताश है, जो पीड़ा में है। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी आपने, इसीलिए आपके सामने आधे से ज्यादा नौकर चाकर घूमते हैं। उन सब की बात दूर खड़ा रामू बड़ी ही अच्छी तरीके से सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, कितना पाप भरा इन सब के मन में, पूरे गांव को गुलाम की नजरों से देखते हैं, अगर कोई इनसे मदद भी मांगने आए तो वो पक्का मूर्ख है। रामू सरपंच के पास जाकर कहता है, देश तो कब का आजाद हो गया सरपंच जी, पर आप जैसे सरपंच और मुंशी ही हैं जो गुलामी और ऐसी बकवास सोच रखते हैं, जो गरीबों को गुलाम समझते हैं, आम आदमी को मूर्ख और ईमानदार को मंद। तुम होश में तो हो रामू, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब मेरे सामने कह सको? बड़ा मुंह छोटी बात सरपंच जी। खैर आप बताइए, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना, बाजार में कोई काम था? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, जाओ जाकर मंडप सजाओ और पूरे गांव में कह दो कि आज दावत है हमारे यहाँ, साथ ही साथ जो हलवाई आएंगे तुम उनका हाथ बटाना। जी सरपंच साहब, और आपके इस गुलाम के पिछले पैसे भी बाकी हैं, तो जरा उसका भी ध्यान रखिएगा। तुम्हारा हिसाब मैं अभी चुकता कर दूंगा, पहले जाकर सारा काम करो। दावत की पूरी तैयारी मानो रामू के हाथ में ही थी, वो गांव के हर घर में न्योता देने से लेकर सारे काम करता है। आओ सभी पेट भर कर खाओ, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना है, खाने में बहुत ही ज्यादा दम है, अपना अपना वजन बढ़ा कर जाओ। वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है, मजा आ गया खाना खाकर तो, जहाँ रामू का हाथ लगता है वहाँ ऐसा ही मजा आता है। सही कहा तुमने, रामू के हाथ में मानो जादू हो, जो भी खाना बनता है रामू के हाथ पड़ते ही खाना बहुत स्वादिष्ट और अच्छा हो जाता है। पूरे गांव ने बड़े ही चाव से दावत खाया और सभी ने रामू की खूब तारीफ की, लेकिन सरपंच और उनके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन जब रामू सरपंच के पास अपने हक के पैसे मांगने गया, तब सरपंच और उसके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरपंच साहब, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया, पूरे गांव ने दावत भी कर ली और आपके बेटे का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मन गया, अब लाइए मेरा मेहनताना लाइए। सब कुछ हुआ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरे बेटे को किसी भी गांव वाले ने जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी, बस आए खाना खाए और तुम्हारी बड़ाई करके चले गए, ऐसी उम्मीद मुझे इन गांव वालों से तो नहीं थी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो तुम ले जा सकते हो। सरपंच ने रामू को पैसे दिए, रामू वहां से चला गया। अब मालिक ये क्या, रामू को उसके पैसे आपने ऐसे कैसे दे दिए, ये तो गलत बात है। तुम उसकी चिंता ना करो, मैंने रामू के पीछे दो गुंडे लगा दिए हैं, जैसे ही वो जंगल के रास्ते अपने घर जाएगा वो दोनों छीना झपटी करके रामू से पैसे चुरा लेंगे। चल चल चल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, वरना खत्म हो जाएगा, पैसे निकाल। उन दोनों गुंडों को देखकर रामू बहुत ही ज्यादा डर गया। जी ये लो पैसे और चले जाओ, पर कृपया करके मुझे कुछ भी ना करो। जैसे ही गुंडे चले गए, रामू फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा परिवार पिछले कई दिनों से भूखा है, बस इस आस में कि मैं कुछ पैसे कमा कर उनका पेट भर पाऊंगा, मैंने तो आपसे ज्यादा मांगा भी नहीं है, जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है।
रामू के रोने की आवाज सुनकर जंगल के कई सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उन्हीं में से एक खरगोश रामू के सामने जख्मी हालत में आ गया। अरे ये क्या, इसकी हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक है, मुझे इसकी जान बचानी होगी वरना ये खरगोश अपने प्राण त्याग देगा। रामू उस खरगोश की मदद करता है। जैसे ही खरगोश होश में आता है, खरगोश रामू से कहता है, अरे रामू, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। खरगोश की आवाज सुनकर रामू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तुम बोल कैसे सकते हो, ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और मेरे बचपन का दोस्त, ये सब क्या है, ये सब क्या बोल रहे हो? अरे तुम शांत हो जाओ, मैं एक मायावी खरगोश हूँ, लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा, ये देखो। उस मायावी खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से रामू के बचपन की चीजें दिखाई। रामू के सामने उसका बचपन नजर आ रहा था, जहाँ रामू उसी खरगोश के साथ खेल रहा था, उसे खाना खिला रहा था और उसे पानी पिला रहा था। ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा तो मैं हूँ और मुझे जहाँ तक याद है मेरे पिताजी ने तुम्हें किसी जादूगर को बेच दिया था। तुमने सही कहा, उसी जादूगर की मदद से मैं आज मायावी खरगोश बन गया हूँ और इस जंगल में रहता हूँ। एक शेर ने मुझ पर हमला किया, मैं उससे बचते बचाते यहाँ पर आ गया और तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम मुझसे कोई भी दो चीज मांग सकते हो, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, और कुछ नहीं। रामू को हताश और परेशान देखकर खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से उसी जगह पर पानी पूरी का पेड़ बना दिया। ये क्या है, पानी पूरी का पेड़, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम अपनी पानी पूरी बेच कर अपना घर चलाया करना, इस पानी पूरी के पेड़ से पूरी तोड़कर और सामने वाले कुएं से पानी लेकर तुम उसे बेचा करना, इससे तुम्हारी आमदनी भी होगी और मेरा वरदान भी पूरा हो जाएगा। उस मायावी खरगोश की मदद की वजह से रामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसके खुशी के आंसू निकलने लगे। धन्यवाद मित्र, बचपन का किया हुआ उपकार तुम्हें अब तक याद है, धन्यवाद, मैं इस पानी पूरी को बेचकर अपना घर बखूबी चला लूंगा। और दूसरे दिन से ठीक वैसा ही हुआ। रामू उस पानी पूरी के पेड़ से खूब सारी पूरियां तोड़ लेता है और पास ही के कुएं से तीखा तीखा पानी भी ले लेता है और उन्हें एक ठेले पर बेचने लगता है। रामू भैया, पानी पूरी लगाना एक प्लेट, आपके हाथ में जादू है, जादू। हाँ और नहीं तो क्या, एक बार में एक प्लेट पानी पूरी कोई खा ही नहीं सकता, उसका मन ही नहीं भरेगा, कम से कम तीन प्लेट पानी पूरी तो खानी होगी। अरे ये तो बस आप सबका प्यार है। हमने तो सुना कि तुमने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली है, बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारा घर बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा दिखने लगा है। सब हरी की कृपा है। अब रामू पानी पूरी बेच कर अपना घर बहुत अच्छे से चला रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रामू ने गांव में एक स्कूटी भी ले ली। उन स्कूटियों पर पानी पूरी रख कर रामू और रामू की पत्नी संध्या दोनों ही गांव-गांव जाकर पानी पूरी बेचने का काम करते थे। ये बात सरपंच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस रामू को देखो, कल का व्यापार क्या शुरू किया और अचानक इतने पैसे वाला हो गया कि जिस गांव में साइकिल नहीं है उस गांव में रामू स्कूटी पर पानी पूरी बेच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालिक, रामू कुछ ही महीने में आपसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और ज्यादा इज्जतदार भी। तुम बस उसका गुणगान ही करते रहोगे कि कोई उपाय भी बताओगे मुझे जिससे रामू का व्यापार चौपट हो सके। एक उपाय है, याद है आपको, आपके नकाबपोश गुंडे
उनसे कहकर उसकी स्कूटी पानी पूरी तुड़वा कर आप अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। कुछ भी कहो मुंशी, तुम हो बड़े चापलूस, ऐसा ही किया करो। और इस बार तो मैं भी जाऊंगा उसकी स्कूटी पानी पूरी टूटते हुए देखने। सरपंच और मुंशी रामू के घर के पास चले गए और झाड़ियों के पीछे छिपकर उन गुंडों का कारनामा देखने लगे। जैसे ही गुंडों ने स्कूटी पानी पूरी की गाड़ी तोड़ी, सरपंच और मुंशी बड़े ही खुश हुए। अब आया ना मजा, लेकिन इससे इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने देखा है मालिक कि स्कूटी लेकर रामू हमेशा एक पेड़ के पास जाता था और वहाँ से स्कूटी पानी पूरी लेकर निकलता था। मुझे लगता है कि हमें जंगल में जाकर वो जगह भी देखनी चाहिए। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ढेर सारा पेट्रोल ले लो, पूरा जंगल ही जला देंगे आज। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। सरपंच और उनके गुंडों ने खूब सारा पेट्रोल ले लिया और उन पानी पूरी के पेड़ के पास चले गए और वहां जाकर देखा कि पानी पूरी का पेड़ है जहां से रामू पूरियां तोड़ा करता था। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आया मुझे सब कुछ। इन सब पेड़ों को पेट्रोल डालकर जला डालो। और वैसा ही हुआ, सरपंच ने पूरे जंगल में आग लगवा दी, लेकिन एक भी पेड़ जले नहीं। सरपंच, मुंशी और दोनों गुंडे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। तभी सरपंच का एक आदमी भागता हुआ सरपंच के पास आकर कहने लगा, सरपंच साहब, सरपंच साहब, आपकी फैक्ट्री और आपके घर पर आग लग गई है, और तो और आपकी सारी गाड़ियों को किसने तोड़ दिया है, पता नहीं किसने किया ये सब। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तुम क्या कह रहे हो? सरपंच अपने घर जाकर देखता है, उसका घर और उसकी फैक्ट्री दोनों ही जल रहे हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ सभी गांव वाले जमा हो जाते हैं और उसमें रामू भी होता है, जिसे देखकर सरपंच शर्मिंदगी महसूस करता है। मुझे माफ कर देना रामू, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की, देखो मेरा ही घर उजड़ गया। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सरपंच जी, आप चिंता ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपने परिवार को लेकर मेरे घर पर रह सकते हैं, और रही बात फैक्ट्री की, तो इंश्योरेंस से आपकी फैक्ट्री के पैसे मिल जाएंगे। सरपंच रामू को सारी बातें बताता है और रामू से माफी मांगता है, और इसी के साथ रामू दोबारा अपनी स्कूटी पर पानी पूरी बेचना शुरू करता है और पूरे गांव में चर्चित हो जाता है। सरपंच और मुंशी भलाई का रास्ता चुनते हैं और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। रामू अपने अच्छे व्यवहार से खूब सारी पानी पूरी स्कूटी पर बेचता है।